नेक्स्ट लाइन न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को गुजरात से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर जमकर हमला किया। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर धर्म के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया तो चेताया कि इससे लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। उन्होंने इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए हिंदू राष्ट्र को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया और कहा कि पिछले चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की एक्टिंग की वजह से कांग्रेस जीत के करीब पहुँच कर भी जीत नहीं पाई। अशोक गहलोत ने कहा, धर्म के नाम पर राजनीति से आसान चीज कुछ भी नहीं है। हिटलर और जो भी ऐसे लोग हुए जिन्होंने लोकतंत्र को नाश किया, उन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति की। जिन लोगों में धर्म के नाम पर राजनीति शुरू हुई वह लोकतंत्र कायम नहीं कर पाए। ये धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है, खुलकर दुरासास देखिए बीजेपी और आरएसएस का। साथ ही साथ उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की शहादत का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र की तारीफ पूरी दुनिया में होती है कि इतने बड़े मुल्क में जहां 135 करोड़ की आबादी है, जाति धर्म वर्ग अलग अलग, फिर भी इस देश में लोकतंत्र कैसे कायम रह गया। पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ, मुस्लिम धर्म के नाम पर दो टुकड़े हो गए। अगर हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है तो पाकिस्तान हमारे सामने है, वह भी धर्म के नाम पर बना था। क्यों दो टुकड़े हो गए, एक ही धर्म होते हुए भी हो गए। फिलहाल की इस खबर में इतना ही।